हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं स्नाइपर अल्टीमेट किल। स्नाइपर अल्टीमेट किल 2017 में रिलीज की हुई एक्शन ड्रामा और थ्रिलर मूवी है। इसकी लेंथ 1 घंटा 30 मिनट की है। फिल्म की कहानी में हमें दिखाया जाता है कि ब्रैंडन बकेट और केट एस्ट्राडा जो लीड रोल में होते हैं, एक बहुत बड़े ड्रग डीलर माफिया को खत्म करने के इरादे से कोलंबिया फोर्स को ज्वाइन करते हैं। आप सबके स्पॉइलर को खत्म न करते हुए चलिए देखते हैं इस मूवी में क्या अच्छा है और क्या बुरा। फिल्म के लीड एक्टर ब्रैंडन बकेट की एक्टिंग लाजवाब है। बाकी एक्टर्स ने भी ठीक ठाक काम किया है, लेकिन लीड एक्ट्रेस केट एस्ट्राडा ने और अच्छे से काम किया होता तो मूवी में जान बनी रहती। मूवी की सिनेमाटोग्राफी बहुत अच्छी है। मूवी में 2-3 जगह पर एक्शन सीन्स है जो आपको ज़रूर अच्छी लगेगी, लेकिन फिल्म के बीच बीच में आपको बोर फील हो सकती है। इसको और अच्छे से एग्जीक्यूट किया जा सकता था। मूवी प्रेडिक्टेबल है। मूवी के फर्स्ट हाफ के बाद ही आपको पता चलने लगेगा कि मूवी में आगे क्या होने वाला है। मूवीज़ में कुछ सीन्स पर ब्रूटल सीन्स है। अगर आप कमज़ोर दिल वाले हैं तो इस मूवी को मैं आपके लिए सजेस्ट नहीं करूँगा। पूरे ऑडियंस इस मूवी को स्किप कर सकते हैं। इस तरह की कहानी वाले मूवीज़ को हमने बहुत सी फिल्मों में देखा है, तो इसे देखने का कोई मतलब नहीं बनता। फिल्म की हिंदी डबिंग बहुत अच्छी है, लेकिन इसमें 2-3 जगह पर खुल के एडल्ट सीन्स है, तो इसे फैमिली के सामने देखने से बचें। आपको ये रिव्यू कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। जय हिंद।